कुछ दिनों से जीएसटी शब्द की हर कहीं चर्चा हो रही है। मोदी सरकार ने संसद में जीएसटी बिल प्रस्तुत किया, जिसे लोकसभा से मंजूरी भी मिल गई। लेकिन इस बिल के बारे में कोई राय बनाने से पहले आइए ये जानें कि जीएसटी आखिर है क्या। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस टैक्स के द्वारा ये प्रस्तावित है कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष करों को हटा दिया जाए और इसके बदले केवल एक ही कर वसूला जाए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हर वस्तु की कीमत पूरे देश में एक समान रहेगी। उदाहरण के तौर पर यदि आप आज कोई कार खरीदने जाएं, तो अलग अलग राज्यों में टैक्स की दरें अलग अलग होने के कारण कार के एक ही मॉडल की कीमत हर राज्य में अलग अलग होती है। जीएसटी लागू हो जाने पर यह अंतर मिट जाएगा और हमें पूरे देश में कोई भी वस्तु खरीदने पर एक ही कीमत चुकानी पड़ेगी। जीएसटी का एक और बड़ा फायदा यह है कि आम आदमी को टैक्स का भुगतान भी कम करना होगा। जीएसटी लागू होने पर केंद्र को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स खत्म हो जाएंगे। राज्यों को मिलने वाला वैट, मनोरंजन कर, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, एंट्री टैक्स, चुंगी भी खत्म हो जाएंगे। इसके बदले केवल जीएसटी लागू रहेगा और इससे होने वाली आय एक निश्चित अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांटी जाएगी। आशंका है कि इससे राज्यों को होने वाली आय कम हो जाएगी और शायद इसी कारण कुछ राज्य जीएसटी लागू करने में आनाकानी कर रहे हैं। कई राज्यों का लगभग आधा बजट पेट्रोल और डीजल से होने वाली आय पर निर्भर है, इसीलिए केंद्र सरकार ने कुछ सालों के लिए राज्यों को ये टैक्स लेते रहने की छूट दी है। जीएसटी लागू होने पर लगभग 14 तरह के टैक्स खत्म हो जाएंगे। साथ ही ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाने से टैक्स चोरी भी कम हो जाएगी। इसके अलावा टैक्स पर लगने वाले टैक्स से हमें निजात मिलेगी। उद्योगों पर लगने वाला टैक्स भी कम हो जाएगा, जिससे वस्तुओं की लागत में कमी आएगी और बाजार में महंगाई घटेगी। द टारगेट डेट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इज द 1st of April 2016। द जीएसटी हैज मेनी स्पेशल फीचर्स एंड एडवांटेजेस। इट क्रिएट्स इंडिया इनटू वन यूनिफॉर्म मार्केट, which effectively means that 1/6 of the global population within the country will be one market, which will have a uniform rate of taxation for both goods and services. There will be a seamless transfer of goods and services across the country. It will help to eventually bring down prices because there will be no tax on tax. Today, tax paid at various stages gets added to the cost, and thereafter, including the tax component, the next tax is imposed. Fortunately, the Congress is in a self-destruct mode. We do not grudge that. भोपाल से एमएसटीवी के लिए आकाश सोनी की रिपोर्ट।